मतलब पैसों के लिए सब कुछ करेगी तू? सब कुछ करेगी। रुक पहले, ये चंद पैसों के लिए तू मेरे साथ ब्रेकअप करेगी? तू होता कौन है पैसे गिरने वाला? तेरा बंदा हूँ मैं। था नहीं हूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जाना किसी भी रैंडम कपल के पास, उनको देने वाले पैसे, अगर वो क्या कर सकते हैं वो आपको वीडियो में जाके पता चलेगा। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। भाई कंशा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। जो जो लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरी फेसबुक की फैमिली अभी तक फॉलो नहीं करेगा, प्लीज़ फॉलो कर लेना और लाइक करना वीडियो को, ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज मी गाइस, हाय, हेलो भाई, क्या नाम है आपका? भाई मोहित। आपका? कोई दिक्कत नहीं, हाथ मिला लिया? ना ना भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। बहन पागल हो रहा है रिलेशन में? मजाक करो कि पहला सा बॉयफ्रेंड है जिसने अपने गर्लफ्रेंड से हाथ मिलाने दिया, वो भी अननोन पर्सन को। ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड होता है जो हाथ नहीं मिलाने देता? नहीं, आजकल के होते हैं ना यार। कोई बोली तुझे देख इतना भाई, मैं बोलने वाला था। अब वैसे भी आजकल प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं, सब टाइम पास होता ना। लाइफ टाइम तो कोई ज्यादा शादी वादी होनी नहीं होती। टाइम पास नहीं तुम्हारा? हमारा नहीं है, हमारा तो भाई 6-7 साल पहले का, 7 साल का रिलेशन है रियलिटी में। चलो अच्छी बात है, तो शादी वगैरह का प्लान कर रहे हैं। शादी की प्लानिंग है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शादी है प्लानिंग? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बैठ रहा हूँ तो मैं। क्या नहीं यार, मैंने आजकल जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखे ना, सब मतलब टाइम पास करने आते हैं, तो 1-2 साल हंसते हैं तुम्हारा। चलो अच्छी बात, सुन के बहुत अच्छा लगा कि प्यार अभी भी कायम है दुनिया में। अगर बुरा ना लगे आप सबको, थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ आप सबको? थोड़ा सा भाई, एक्चुअली मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ, अब बदले में कैश प्राइज देता हूँ मैं। अच्छा हाँ, और थोड़ी बहुत कैश प्राइज नहीं, 10-20 हज़ार। 10-20 हज़ार जो शायद प्राइवेट जॉब में, मतलब डेयर ऐसा है कि जो रियलिटी बेस्ड डेयर होगा, जो मैं आपको दूंगा तो रियल लाइफ में करना होगा। ये मैं सोचा 5-10 मिनट के लिए करना है आपको। स्क्वाड गेम तो नहीं खिलवा रहे? मतलब वो जो मूवी है मैं देखी नहीं वैसे, कैसा है? नहीं वो जो यार स्क्वाड गेम होती है, गेम खिलवा के बंदे को फिनिश ही करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसमें हारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मना कर सकते, क्यूट कर सकते हो, बाकी जीत जाओगे तो 20,000 से लेकर 10,000 के बीच मिल सकता है। कोई भी करे या दोनों? हाँ दोनों कर, दोनों को 40,000 पैसा है इतना मेरे पास, शॉप भी हो जाएगी। हाँ आप सबके खर्चे निकल सकते हैं। तो इसका जारा से कपड़े उपड़े ले ले, मेरा जिम का खर्चा भी निकल जाएगा। और क्या, दोनों के खर्चे निकल सकते हैं, जो आपके नीड है सब पूरी हो सकती है अगर दोनों जीत गए तो। एक जीता तब भी, आजकल तो सैलरी भी नहीं होती 20,000 मेरे हिसाब से ना, बोनस वगैरह मिल जाए तो वो बात अलग है। 20,000 दे दियो, मैं फाइनेंस में बुलेट निकलवा लूंगा। अच्छी भी लगेगी आपको बुलेट। तो गेम स्टार्ट करें भाई। तो आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, सूट से लग रहे हो। पहली बार मैंने सुन के कानों से बहुत अच्छा लगा कि प्यार अभी कायम है दुनिया में, लगता है टाइम पास देखा है। किसी किसी का तो वो होगा ही। हाँ यार ये भी फैक्ट है, 10 में से 5 लोग तो अच्छे होते हैं या फिर 2। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। पैसे बहुत जरूरी हैं, पैसे के बिना गेम नहीं सकते, पैसे आपके हो सकते हैं, स्माइल और तेज हो सकती है आपकी। चलो भाई पहले आपको देता हूँ मैं, ठीक है? सीधा पैसे दे रहे हो क्या? नहीं सीधा पैसे नहीं, पैसे हाथ में दूंगा तभी फील आएगा ना डेयर कम्प्लीट करने में। मेरे ख्याल से टोटली 20,000 में, मैं काउंट नहीं कर रहा आपके हाथ में कितने दे रहा हूँ अभी, पर इतने मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे आपके लिए। आपके लिए डेट ये है कि ये डेट रियलिटी में, ये मैंने सोचा कि 5-10 मिनट के लिए करना, आपको रियलिटी में पूरे लाइफ टाइम तक के लिए करना है। अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दो। क्यों मुझे ले रहा ब्रो? नहीं ये नहीं हो सकता। पैसे कम है क्या? पैसे कम की बात नहीं है भाई। अच्छा चलो ये भी ले लो यार, 2-3 लाख रुपये दे दो, मैं तो नहीं करूँगा ये सब चीज़। सही में भाई क्या ही बताऊँ, पैसा मतलब कुछ नहीं आपके लिए इनके सामने। पैसा यार तू जितना मर्जी दे दे मुझे, लेकिन यार ब्रेकअप नहीं। ये भी आपके लोग? अबे भाई मैं करूँगा, तू मुझे 2-3 लाख में दे देगा ना तो भी हम दोनों का ब्रेकअप नहीं होगा। सच्चा प्यार करते हो क्या? बहुत ज़्यादा भाई, इतने तो यार हम कमा भी लेंगे पता है, एक दोनों काम करके। हाँ ये बात भी है, इनसे बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ भाई बिल्कुल कर लो। टाइम क्या ही वेस्ट करना, आप ये कर सकते हो, ये सारे पैसे आपके, इनसे ब्रेकअप कर लो। सेम सिचुएशन नहीं करने वाली भाई, हमारा भी यही है। ठीक है क्या मतलब? पैसा मिल गया पागल, पैसा देख पैसा। अबे तू उसको पैसे दे। क्यों दूं मैं पैसे? ये बता पैसे क्यों दफा कर यार, ऐसा मजाक उड़ा के मत कर। जब पैसा मेरे पास आ गया तो पता है मेरा बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता है। मूड खराब होता है ठीक है मान लिया, तेरे हर खर्चे मैं उठा रही हूँ, जिम का खर्चा। कौन से खर्चे उठा लिए तूने? मेरे खर्चे मैंने उठाया, तेरे कपड़ों का खर्चा मैंने उठाया। मैं नहीं करता क्या कुछ? मैं नहीं करता कुछ, तू पैसे के लिए अब तुमसे ब्रेकअप करेगी? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास यार। तो फिर घर वालों से बात कर ली है मैंने, घर वालों से तो मैंने करी थी, मैं मना भी तो कर सकती हूँ, जब मेरे घर वालों को पैसे दूंगी तो वो। यार ये क्या होता है यार, हर किसी की मेरी बात सुनना।
सही बात, सही बोल रहे। देखो इनमें इनके सारे खर्चे भी हो सकते हैं भाई यार, तू ऐसे मूड खराब हो रहा है, इसको पैसे दे और जान दे। क्यों दूंगा पैसे? नहीं मतलब पैसों के लिए तू मेरे से ब्रेकअप कर रही है। छोड़ सकती हूं मैं, कुछ भी कर सकती हूं। अरे ये फर्स्ट है कि पैसा? अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी। यार ये कौन सा मजाक होता है, पहले पैसा आता बाद में तू, अगर पैसा है तो रिलेशन है। अच्छा ये तो पहले तो तूने नहीं बताया था ये मुझे कि पहले पैसा होता है। जब मैं खर्चे उठाती तब मेरे को पता नहीं था कि मैं तूने खर्चे क्यों करे मेरे ऊपर फिर इतने। मैंने कहा था, मैंने कहा था मैं तेरे लिए ऐसी कुछ नहीं करता है ना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता, अभी भी मैं रहना चाहता हूँ, तू मेरे से मजाक मत कर यार। पाँच मिनट में आ रहे, मेरे को और क्या चाहिए यार? शॉपिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, 20,000 रुपए कम थोड़ा होता है यार। ये तो उसके साथ पूरी जिंदगी रह लेगी ना, ये 20-30,000 में पूरी जिंदगी रह लेगी। अगर नहीं होगा तो मैं और भी कोई डेयर आएगा वो भी हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा और भी डेयर कर लेंगे कंप्लीट, डेयर होगा मैं कुछ, पर लाइफ टाइम तक छोड़ना अभी के लिए नहीं है। रिसेंटली मेरे को 25,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। अबे यार तू उसको पैसे दे और जान दे भाई, जाओ यार तुम। भाई मैं तो गेम खेलने आया था, मतलब जस्ट गेम आपको लिया तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे, अब मैं तेरे को छोड़ सकती हूं लेकिन पैसा नहीं मैं छोड़ सकती। इतना ही प्यार था हम दोनों का, मैंने दिखा दिया। 6 साल बहुत होते हैं रिलेशन के, 6 साल बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर घर वालों से बात नहीं हुई तो अब क्या होगी आगे, जब हमारा फ्यूचर ही नहीं है कोई। अभी हमने डिस्कस नहीं करी थी कि हमारी शादी वगैरह का, तो नहीं है ना? मैंने तो कर ली ना, तूने नहीं करी वो अलग बात है। अभी तू कह रही तूने कर ली है, मैंने नहीं करी। तो पैसे दिखाऊंगी वो वैसे भी नहीं मानेंगे, वो तो चाहते ही है। अब बोल मेरी घर से शादी में ना हो तो उसको पैसे दो जान दे। ओ भाई यार तू जा यार, क्या मजे उजे ले रहा है तू भी बहनचो। अब ये पैसा आप जीत चुके हो, आपके आप जो मर्जी कर सकते हो आप इससे। पैसा तो मैं जीत चुकी, डेयर कंप्लीट हो गया, मैं विनर हो गई। मतलब तू पैसों के लिए कुछ भी करेगी यार? मेरे को कौन सा, वो गर्लफ्रेंड बना रहे अपनी, ये नंबर उसकी तो गर्लफ्रेंड भी बनना चाहती है क्या उसकी? तू यार मैंने ऐसा बोला, मेरे को गर्लफ्रेंड फ्रेंड नहीं बनाना, कि मैं सिंगल लाइफ इज द बेस्ट। तो तू पैसे तो ऐसे दे रहा उसको, पैसा है यार, गेम खेला ये जीत चुके हैं उसने पैसों के लिए। मतलब तू कुछ भी कर रही है, मना कर दिया, तुझे नहीं चाहिए। नहीं मुझे तू चाहिए थी, मेरे को पैसा चाहिए। हाँ यार इसने आपको चुना था, मुझे पैसा चाहिए। वैसे भी मेरा कौन सा तेरे से फ्यूचर बन रहा है? मुझे कसम से पता, अपने तो ऐसी हरकत कर देगी। क्यों नहीं करूंगी यार, पैसे के लिए कौन क्या नहीं करता। मेरे खर्चे उड़ जाएंगे, मेरे घर के खर्चे निकल जाएंगे। आपकी शॉपिंग हो सकती है, शॉपिंग हो सकती है, फ्यूचर भी तो इससे ज्यादा कमा लेंगे। फ्यूचर की बात छोड़ दे, अभी प्रेजेंट में तो जिए हम। नहीं तूने मेरे को बोला, नहीं तेरी मैंने हर एक बात मानी। मैंने अपने घर वालों को टाइम ना देते हो, तेरे को टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और तेरे वैसे तूने कहा मेरे को बॉडी चाहिए, तेरे वैसे मैं बॉडी भी बनवा रहा हूँ, ठीक है? पैसे भी तो मैं ही दे रही हूं। हां तो तेरे को भी तो चाहिए थी ना बॉडी, मैं कैसे देती फिर? नहीं मतलब तभी तो मैं जीत है ना। नहीं घर वालों को टाइम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम नहीं दिया, तेरे को टाइम दिया। मैं सिंगल रह सकती हूं, मैं पैसों के जितना टाइम है तब तक मैं सिंगल रह सकती हूं। मतलब अब मैं समझ गई, पैसा ही तेरे लिए सब कुछ हो गया है ना। मतलब मैं अब तेरे से शादी वगैरह भी कर ले तो तू पैसों के ऊपर ही मरती। मतलब ये मेन प्रायोरिटी नहीं, पैसा मेन है। इतनी गिरी हुई है तुम्हें को पता नहीं था, मैं मेन नहीं हूं तेरे लिए, पैसा है। अब जा सकते हो फिर यार, अब जीत चुके हैं, अब जा सकते हो, अब जा सकते हो। मुझे नहीं, ये सीरियसली फैक्ट है, रियलिटी है लाइफ की। अब रियलिटी है लाइफ, 6 साल क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कितनी बातें कर लेगा तू? 6 साल के अंदर जो दोनों के साथ हुआ है ना, क्या हुआ हमारे बीच? रिलेशनशिप में आए हम, पहली बात तो कुछ नहीं हुआ ऐसा हमारे बीच। वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, पता है मुझे तो वो बात नहीं कर रहा। हम बाहर आते, मिलते जुलते, खाना पीना खाते, मैश करते, तो तभी तो पैसा होता, तभी तो होता। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मजाक नहीं करता। पहली बात तू चंद पैसों के लिए मेरे को छोड़ के जा रही है। मजाक भी नहीं कर सकती मैं पैसों से, मजाक ही नहीं करती अब। मतलब पैसों के लिए सब कुछ करेगी तू? सब कुछ करूंगी मैं किसी के गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, अपना गेम जीती अपनी मेहनत से। वो जीत गया, आप जा सकते हो, फालतू में इतना बहस करके फायदा नहीं। कहाँ जा रही है तू? इधर रुक पहले, कहाँ? ये चंद पैसों के लिए तू मेरे साथ ब्रेकअप करेगी? पैसे नहीं, क्या गिर रहा है पैसे? तू होता कौन है पैसे गिरने वाला? तेरा बंदा हूँ मैं, था नहीं हूँ। तू निकल चल, पैसे लेकर चल निकल, समझ गया मैं तेरी क्या है। पैसे फर्स्ट है, बाद में तू है, समझ गया? पैसा फर्स्ट है, मुझको ये तेरे पे वो नहीं था कि तू पैसों के लिए वो करेगी। मैंने बोला ही नहीं कि तू कुछ कर ऐसा। और हाँ भाई तू भी बड़ा पैसा वैसा कर रहा है, तू भी चला जाए यहाँ से, भी बिना बात में तू भी टूटा जाएगा। आपके पैसे ही रह गए, एक्सक्यूज मी, आप जीत चुके हैं यार, वो तो उसके पैसे हो गए ना। आँख खराब, चलिए यहाँ से, मुंह मत दिखाइए अब अपना, ठीक है ना? पैसा है मेरे पास यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? 4 रुपए के लिए चली गई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं यार जा भाई, तू भी अभी। अरे भाई तो यार बैठ जाएगा, बैठ जाओ, थोड़ी देर बातें कर लूँ फिर चला जाऊँगा मैं भी, बात कर लूँ। सुन तो लो भाई, बैठ। पता नहीं था यार, पर
परेशान क्यों हो रहा भाई? भाई सोचा हुआ नहीं था यार मैंने, पैसों के लिए चली जाएगी भाई। लड़कियां आजकल के ऐसी होती हैं, सोचता भी नहीं था इसका। वो देख लिया था मैंने आपको नीचे, जब आपने पैसों के लिए उसको मना कर दिया था। पर रियलिटी रियलिटी है ये भाई, दुनिया का सच्चाई ये है कि प्यार आजकल ख़त्म हो गया है, बस पैसा सब कुछ है। यार बहन जो ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, इसलिए भाई मैंने घर वालों से लड़ा हूँ मैं, दोस्तों के साथ मैंने अपनी वाइफ फ्रेंडशिप ने सारे मेरे फ्रेंड थे उनको छोड़ा है मैंने। इसके लिए मतलब बहुत सारा कुछ करा। वो आपको छोड़ के चली गई अभी? इसके लिए अपनी जॉब छोड़ दी है मैंने। जॉब भी छोड़ दी? हाँ, और इसलिए पैसों पे फूल रही थी। 2-3 साल से जॉब छोड़ी हुई है, और ये खर्चा जो कर रही है ना वो खुद ही ने करा इसने, मैंने कोई नहीं बोला था इसको। यही कह रही थी मुझे बॉडी बनवानी है वो है, अभी बल्क करके मेरे को छोड़ा हुआ इसने। मतलब आपके आपने इसके लिए बॉडी बनाई आपका मतलब? ओ हाँ, यही कहती थी बॉडी चाहिए मुझे, ये है वो है, अब इसके लिए बॉडी बना रहा, सब कुछ कर रहा, अभी छोड़ के चलेगी, क्या ही बताऊँ भाई। ब्रो आपको एक और बात बताऊँगा, मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे के लिए मैं लोगों की स्माइल लाता रहता हूँ, एक्चुअली मेरा यूट्यूब पर चैनल है। नहीं अभी आपको मैं बताऊँगा, एक्चुअली मेरा यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, जो भी चीज़ हुआ सब रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पर पेड़ के पीछे। तो वीडियो वगैरह ही बना रहे क्या? वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन भाई आपके कोई बताओ, मैंने रियलिटी लाई है, रॉयल्टी टेस्ट कर रहा था मैं उसका आगे, वो सब चीज़ें बस गोल्ड डिगर यार बोल, उसको गाली देने का मन हो रहा है अभी। पर भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आप कितने टाइम से उसके साथ थे भाई? साल हो गए, कम नहीं होता। अपने माँ बाप के साथ कितने टाइम थे? अपने माँ बाप के साथ वो अलग बात है भाई, नहीं बताओ। इसके लिए यार मैंने अपने सबको छोड़ दिया, मैं कह तो रहा हूँ। तो भाई तो अलग, माँ बाप के साथ कितने टाइम आपने दिया उनको? इसके लिए घर पे भी लड़ाई करी है मैंने, घर वाले समझो ना, वो चीज घर वालों की सुन लेनी चाहिए यार, रियलिटी घर वालों की सुननी चाहिए। अब आपको सीख मिल गई ना, आप समझ जाओ, आप तो लड़खड़ाए जो थे, अब तो समझ जाओ आप, छोड़ के चली गई पैसों के लिए ना। मैं तो चेप वो आनी होगी तो खुद ही आ जाएगी, लेकिन नहीं। और आपको एक और बता दूं, वो पैसे के बाद फिर बाद में ये भी फोन करके बोल सकते हैं कि हम आधे आधे कर लेंगे या कुछ, ऐसा कुछ बात मत करना भाई, ब्लॉक कर देना भाई। भाई देखो मैं सॉरी बोलूंगा जो भी चीज़ हुआ, पर मैं रियलिटी लाया हूँ उसकी आपके सामने। बिल्कुल भाई, बुरा मत मानना, पर सॉरी, पर लेकिन रियलिटी थी उसकी, गोल्ड डिगर थी, गोल्ड डिगर ही रहेगी भाई। जो आपके साथ में आगे जाके कुछ होता फिर तो आपकी फैमिली पूरी बिखर जाती भाई। ये पैसों के लिए क्या क्या करते यार, क्या ही, मेरे को पता नहीं था ये ऐसी लड़की निकलेगी। अब बस आपसे एक छोटी बात बोलूँगा कि जो आपने इसको टाइम दिया, अपने माँ बाप को वो टाइम दो। बिल्कुल यार, अब अपने करियर पर ध्यान दो कि भाई लड़कियाँ सारी वैसी हो रही है आजकल, लेकिन नहीं सारी तो नहीं बोल सकते, पर है कुछ कुछ। क्या यार, पैसा पैसा क्या कुछ नहीं कर देता बेंचो, आज पता चला मुझे। और भाई ये तुमने पता लगाया मुझे कि क्या कुछ नहीं हो जाता। कोई नहीं भाई, परेशान मत हो, आपकी बंदी मैं मानूंगा। क्या यार, स्माइल ऐसी बरकरार रखो, लड़कियां आती हैं और ऐसी धोखा दे के जाती हैं। कुछ ही चुनिंदा लड़कियां होती हैं जो अच्छी होती है, काफ़ी सपोर्टिव होती है, काफ़ी साथ देती हैं। मैंने कितनी सारी लड़कियाँ छोड़ी है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये यार छोड़ के चली गई। आपसे एक बात पूछूंगा, जो वीडियो शूट हुई है मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? बिल्कुल भाई डाल लो, मैं तो कह रहा हूँ और डाल लो, तो दिक्कत तो फोटो बिल्कुल इसकी एक से सामने लगाओ तो लोगों को तो पता चले कैसा होता है चेहरा गोल्ड डिगरों का। ठीक है, फेसबुक पेज पर यूट्यूब पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस इस वीडियो से आपको भी एक सीख मिलती है, अंधा प्यार मत करो भाई, चूतिया मत बनो मेरे जैसे। भाई थोड़ा भैया भाई गुस्से में, पर समझा देंगे उनको भी। पर भाई आपके लिए सामने असलियत सामने आई है, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, शायद कुछ हेल्प हुई हो मेरी वजह से आपकी, मुझे नहीं पता, पर मेरा जो काम था वो मैंने किया। पर शुरू में मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, जिस हिसाब से इन दोनों का बॉन्ड था, जिस हिसाब से इन्होंने रिलेशनशिप बताया अपना, मैंने सोचा भी नहीं था। इस वीडियो का ज़्यादा से शेयर करना गाइस, ताकि सबके पास ये मैसेज जाए और पता लग पाए कि ऐसा भी हो रहा है और रियलिटी है आजकल की है। तो प्लीज़ आपसे से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माँ बाप और अपने करियर पर ध्यान दो, लड़की पे भी ध्यान दो, पर इतना मत दो कि माँ बाप बाद में हो जाए, करियर बाद में हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी लड़की नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप, करियर फिर लड़की, समझे भाई? आप भी प्लीज़। अब तो यार अब मैं कोई नहीं भाई, मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हारी बंदी बन जाऊँ भाई। नहीं यार भाई बहुत अच्छे हैं यार, बहुत दिल के साफ हैं यार, रियलिटी में जितना इनसे बात करा मैंने, अभी जितना इनका देखा मैंने, पैसों के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब पैसे नीचे बहुत गर्लफ्रेंड चाहिए मेरी, अच्छा लगा क्या यार, पूरी जिंदगी कमा लेगी ये काम करके। आपको कहाँ पाएगी? ज़्यादा आपको कहाँ कमा पाएगी? अब